पहले मैं तुम दसना चाहना कि मैं कौन हूं। मेरा जन्म जलंधर दे विच होया, मैं बिजनेसमैन फैमिली दे विचो सीगा, कंप्यूटर इंजीनियर सीगा, अपनी पढ़ाई मैं चंडीगढ़ तो कंप्लीट की थी। नशे करने शुरू किए सिर्फ शौकिया तौर दे उते, और मैं गुस्सा करना जो क्रिश्चियन लोगों ने मेरे घर प्रार्थना कर लिया, मैं गाला कड़निया मैं उन्होंने, लेकिन मैं नहीं सी जानता कि मैं जीवित परमेश्वर के नाल पंगा ले रहा। बाद एक कुत्ते ने मैनू कटिया और मैं मेंटली अपसेट हो गया, परमेश्वर के घर दे विच गया, बीमारियां गई, शराब गए, नशे गए, परमेश्वर ने मैनू आजाद किया और उसे आजादी की गवाही देने लिए अज मेरे विच मौजूद हाँ। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से उठाओ अपने हाथों को एक बार फिर से, अपने लिए प्रार्थना करोगी, परमेश्वर आज इन गवाहियों को सुनने के द्वारा और इस वचन को सुनने के द्वारा मेरा विश्वास बढ़े, जोर से बोलो हालेलुया। सुनो सुनो मेरी बात, आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक विश्वास का प्रोडक्ट हूं, मैं विश्वास की पैदावार हूं, आप समझ रहे हो। मैं समझाता हूं कैसे। 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, क्योंकि 2003 में 2002 में मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके जलंधर वापस आ चुका था। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे जलंधर में और अलग अलग पंजाब में उनकी पोस्ट होती थी। जब उनको कैंसर हुआ तो मेरे घर वालों को किसी ने बताया कि जाओ ये क्रिश्चियन लोग जो हैं ये प्रार्थना करके कैंसर ठीक करते हैं। मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी, और मेरी फैमिली जो है वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करवाने जाती थी। मेरे दादाजी की फैमिली ने फेथ नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब मेरी अपनी फैमिली, मेरे फादर और मदर चर्च जाने लगे, किसी एक छोटा सा ग्रुप होता था, तो मैं गुस्सा करने लगा, ये बोलने लगा कि आप लोग क्रिश्चियन मत बनो, क्रिश्चियन जो है कुछ नहीं है। देखो 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थी और मैं बोलता था कि नहीं क्रिश्चियन नहीं बनना, ये धर्म बदलते हैं लोग, ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं वो जीवन बदलते हैं, आमीन। और उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, अपनी फैमिली को वापिस ले गया और मैंने चर्च नहीं जाने दिया, 2004 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया, अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर जिन पे मुझे मान था, सब जगहें, सब चीजें, सब जगह घूम लिया और सुसाइड करने वाला था जिस दिन, सारी अकड़ निकल चुकी थी, धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था, कुछ नहीं मैं करता था, सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे की लेके स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो, अपनी छत पे चढ़ जाना और मेरे भाई ने वहां पे आना और मैंने उसको देखना, और जब नीचे चले जाना तो मैंने रोना कि मैं इनके सामने अब नहीं रहूंगा क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं इनको, ये मुझे मिस करेंगे सभी लोग। अपने घर में मैं आया, अपने बेडरूम में जाने लगा क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा मन बन चुका था, मैंने कहां जाना है, कौन से फाटक पे जाना है, ट्रेन के नीचे सुसाइड करना है, नशा ज्यादा करके जाना है, पूरा प्लान बन गया। और एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मेरे बेडरूम में बैठा था, वो उसी ग्रुप से थे जहां मेरे मम्मी पापा जाया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए। मैं अंदर गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था कि कोई क्या करता है, कोई कौन से धर्म में, मुझे मालूम था मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की, तू कैसा है, ये क्या हुआ तेरे को, बड़ी बड़े धागे शागे पूरे बांध रखे, क्या हुआ तेरे को। मेरा बात करने का दिल नहीं था, मैंने नशा किया, फिर भी मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे ना आपके लिए, आप ठीक हो जाओगे, वो पंजाबी बात करते थे, तेरे लिए प्रेयर करांगे पर ठीक हो जाएगा तू। मेरे को लगा चलो मरना तो है ही, एक टेस्ट कर लो इनका। आप इमेजिन करो रात के 8 बजे बाइक पर, मेरे पास बाइक होता था पैशन, रात को 8 बजे बाइक पर नशा करके मैं उनका घर देखने गया जहां वो चर्च लगाते थे, और नशा किया हुआ अंदर मैं गया और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना हुई, और पहली प्रार्थना में जो मुझे करंट लगा, मुझे मालूम था कि कुछ तो है।
ये मालूम नहीं था कि ये जीवित परमेश्वर है, ये एकमात्र परमेश्वर है, ये सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हम जिन जगहों से निकले, हमारी कोठी है ब्यास में, जहां पर सब बहुत बड़ा सत्संग होता है, वो हमने उनको दे दी थी और उन्होंने हमें बाहर जगह दे दी थी। हम वहां के परमानेंट मेंबर्स थे, हर जगह हमारा रोल था। एक्टिव रिलीजियस खानदान से हूं मैं, एक्टिव। ऐसा नहीं था कि हम परमेश्वर को मानते नहीं थे, नो, एक्टिवली मानते थे सबको। जहां मैं पढ़ता था वहां सब मेरे 90% दोस्त सरदार थे, तो उनके साथ में जगह जाता था, हर जगह हर चीज में जो मालूम थी। लेकिन इस बीमारी ने और इस मुसीबत ने जब असली में मैंने हल ढूंढा, मुझे इतना तोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं ना टूटता मैं उसी घमंड में रहता। क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने नहीं कहा तू ईसाई बन जा, उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझ पे दया करूंगा, अपनी कास्ट चेंज, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं। अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा, तेरे गुनाह होंगे, पाप होंगे, जिसकी वजह से तू मुसीबत में है। तूने विरोध किया परमेश्वर का, तूने गालियां दी परमेश्वर को, और तूने कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग एंटर नहीं करने चाहिए, मुझे बुरे लगते हैं लोग। और परमेश्वर तुझको ढूंढ रहा है और तुझको पुकार रहा है, तुझ पे दया कर रहा है। और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्ग दूत उतरा हूं। उन्हें यह नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपसे 10 गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं। अब परमेश्वर में मैं आ गया, मैंने उनका घर देख लिया, उसके बाद प्रार्थना करवाई, एक छोटी सी बाइबल, नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया, बोला पढ़ना। मैंने कहा ठीक है जी, ये पेपर ले लो, रोज 20 मिनट प्रार्थना करना। मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा, 20 मिनट ठीक है कोई बात नहीं। तेल मसा करके दे दिया, पानी मसा करके दे दिया, अच्छा इसको लगाना ठीक है। और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी, मैं पूल का चैंपियन था, पूल होता ना, और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ, बैटिंग लगानी लड़कों के साथ। एक शाम मेरी लड़के के साथ लड़ाई हो गई वहां पे जुआ खेलते वक्त, जिसके साथ मेरा जुआ चल रहा था, और मेरा इतना उसके साथ फाइट हुई, मेरा मन किया कि मैंने वहां जाने ही नहीं। और उसी शाम को मेरे को फोन आया जज से, अच्छा हमने ना रोज जाया करना है 5 बजे के बाद, तू तैयार है आने के लिए? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूं, क्योंकि मेरा इधर से मन टूट गया और मैं उधर जाने लग गया। फिर मैंने रोज शाम को चर्च जाना शुरू किया। सुनो मेरी बात, मैं कैसे बदला हूं मैं आपको बता रहा हूं, मैं एकदम से नहीं बदला हूं। मसीह में आने के बाद भी, तौबा करने के यानी पहली प्रार्थना होने के बाद भी, कमियां मुझे छोड़ के नहीं गई। उसके बाद हमें बैप्टिज्म का पता चला कि बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा होता है, जिसमें आदमी डुबकी लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो कैसे लेना है? तब वो बपतिस्मे हर संडे नहीं होते थे, हर हफ्ते नहीं होते थे, 2-3 महीने बाद कहीं 25-30 इकट्ठे हो जाओ तो बपतिस्मा देते थे। मैंने कहा ठीक है मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, मैंने कहा बपतिस्मा लेने से पहले ना खूब शराब पीनी, बपतिस्मे के बाद तो पी नहीं होगी, अब पहले पूरी पी लेनी है अपन। और प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ, और पास्टर आया, बोला क्या क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हम झूठ नहीं बोलते थे, सीधा बता दे क्या दिल में है, ये प्लान कर रहे हैं हम। उनका नहीं प्लान नहीं करना, ये अभी वायदा करो, छोड़ दी, तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी। अगस्त में परमेश्वर में आया, सितंबर में वायदा कर दिया, 2 महीने में सब कुछ हुआ, 2 महीने में सब कुछ हुआ। 1 या 2 अक्टूबर को मैंने बैप्टिज्म लिया, 2004 में, तब से लाइफ कभी सेम नहीं रही। मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं, अपने पापों में नहीं गया हूं, गंदगी में वापस नहीं गया हूं, दोबारा कभी तौबा नहीं की। एक बार की थी, वही पहली थी, वही आखिरी थी। हालेलुया। ऐसा नहीं पहले आ गए फिर वापिस चले गए, फिर तौबा कर ली, फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर आ गए, फिर शराब पी ली, फिर ऐसा ऐसा कचरा मचरा मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में, इसीलिए परमेश्वर ने बढ़ाया, ये सच्चाई। अब हुआ क्या,
2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण, अपने फिजिकल बीमारियों के कारण, लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स वही नहीं थी, वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में, मुझको अपने में लेके आने के लिए। और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स, मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया, और मैं आधा पागल हो चुका था प्रभु में आने के बाद भी, दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, मैं परमेश्वर को जान चुका था, क्योंकि रोज संगति शाम को 5 बजे के काम, अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था, रोज एवरी डे। मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए, तू नशे कर ले दोबारा, वही घर वाले जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में, वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा, जो मर्जी करो, चर्च में नहीं जाने, चर्च नहीं जाना, रोज शाम को नहीं जाना, बिजनेस करो, ये करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं तुमने, तुमको ऐसा नहीं करने, रिश्तेदार ओए तो वापिस आएगा अपने धर्म में, तुझको पछताना पड़ेगा, तेरे पास्टर को मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, उसे रास्ते में पकड़ लेंगे। आप नहीं जानते रोज रोज घर में कलेश इतना होता था, आप इमेजिन भी नहीं, अगर आप कई कई लोग ऐसे होते वापिस चले जाते। लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था, मुझे इसका रीजन मालूम नहीं था क्यों ऐसा है, मेरे ब्रदर की ज्यादा अटैचमेंट थी लेकिन मेरी थोड़ी कम थी, मालूम नहीं क्यों, वो बाद में पता हुआ कि क्यों, ताकि जब परमेश्वर मुझे बुलाए अपने में और मेरा घर वाले मेरा विरोध करे, मैं उनके प्रेम में वापस ना चला जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूं। आप जानते हैं आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी बहन आपसे प्यार करे, आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी माँ आपसे ज्यादा प्यार करे, आपका बाप आपसे ऐसे करे, लेकिन आप नहीं जानते कि वो चीजें कई बार परमेश्वर ने ठहराई होती हैं ऐसा होने के लिए। अगर ऐसा ना होता, अगर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड होता, तो इतना कलेश जब घर में रोज हो रहा था शायद मैं वापस चला जाता, पर उस कलेश में वापस नहीं गया, रोज चर्च जाता रहा, रोज अपनी कमियां ढूंढता रहा, अच्छा ये कमी है, अच्छा ठीक है, फिल्मी गाने नहीं सुनने, अच्छा ठीक है, ये नहीं करना ठीक है, वो नहीं करना ठीक है, ये नहीं करना ठीक है, इसमें बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, इसमें गलत काम नहीं करना, ब्लू फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चोरी नहीं करना, ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा जैसे जैसे मालूम होता गया वैसे वैसे मानता गया। बैप्टिज्म लिया, आई थिंक 3 महीने बाद ही बैप्टिज्म लेने के ले हैंड मैंने शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर, लोगों में प्रार्थना करनी मैंने शुरू कर दी थी। एक दिन एक अधरंगी आता है, वो बिल्कुल उसे उठा के लेके आए, और मैं भी बिल्कुल नया था 3 महीने विश्वासी, उस लेके आए मेरे सामने, छोटा सा चर्च था, उस पे प्रेयर हुई, मैंने देखा प्रेयर होते हुए अपनी आंखों के सामने। अगले दिन वो वापस आया, बोल रहा था, चल रहा था, कंप्लीट पूरा नहीं लेकिन चल रहा था, कल से जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन में मेरे होश उड़ गए, मैंने पहली बार मिरेकल देखा अपनी लाइफ में लाइव। पहले तो मैं सिर्फ बातें सुन रहा था, मसीह बाइबल की बातें सुन रहा था या उनकी गवाही उनके मुंह से सुन रहा था, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं था कि जो मुझे हिलाए, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट नहीं होता था, सिर्फ ब्रॉडबैंड होते थे BSNL के जो चलते थे। जब मेरी आंखों के सामने वो हील हुआ, मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, अगर परमेश्वर इसको छू सकता है वो मुझे भी छू सकता है। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला कि तू सेवा कर, तू प्रार्थना कर, लोगों को समझा। इमेजिन करो तब मैंने बाइबल और परमेश्वर ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया। और जब मसीह में 3 महीने हो गए, मेरे अटैक बढ़ गए, जो जिस अटैक से मैं आया था वो कम हो गया, लेकिन और अटैक बढ़ गए दुष्ट आत्मा के। उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे रोज बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि जैसे मैं बाइबल पढ़ता था अटैक कम होने शुरू हो जाते थे। तो मैंने क्या करता था कि घर में जब मैं गया 10 बजे 5 बजे चर्च जाके, चर्च से आया 10 बजे 11 बजे 12 बजे, घर आते ही बाइबल पकड़ी अपनी छोटी, अपनी छत पे, मॉडल टाउन हमारी कोठी थी मॉडल टाउन के बीच में, अपनी छत पे गए बाइबल पढ़ी, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4-5 घंटे जब बाइबल पढ़ ली, मेरा अटैक खत्म होता था और मैं सोने वर्गा हो जाता, हाँ अब सो सकते हैं, अटैक कम हो गया। एवरी डे बाइबल मेरी एक दवाई थी, क्योंकि मैं दवाइयां खा चुका था, जलंधर के सारे बड़े डॉक्टर से दवाइयां खा चुका था, कोई असर नहीं, 1% भी नहीं। अब जब मैं बाइबल पढ़ता था मेरे अटैक दुष्ट आत्मा के कम होते थे, तो मुझे प्रैक्टिकली मालूम था कि वचन मेरे अटैक कम करता है। तो रोज इसी चक्कर में कि मेरे अटैक कम हो जाएं, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, रोज 6 घंटे 8 घंटे। हुआ क्या, 1 साल बाद जब 1 साल मैंने बाइबल रोज 8-8 घंटे पढ़ ली, तब जब भी कोई बंदा चर्च में शाम को 5 बजे में जाता ना, जब भी कोई बंदा अपनी मुसीबत लेकर आता था, भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने पास्टर को बोला, पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है, जैसे उसने प्रॉब्लम बोलनी, मैंने बाइबल से वचन निकाल लेना,
बाइबल मुझे याद हो गई थी कौन सा वचन कहां लिखा है। जैसे ही उसने कहा मेरी ये दिक्कत है, मैं बाइबल उठा के बोलना कि देख वचन क्या कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, वचन में मैं मजबूत हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पीछे एक दुष्ट आत्मा को लगाया ताकि मैं लगातार वचन पढ़ता रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे प्रभु से प्यार है, पहले प्यार व्यार कम था, लेकिन दुष्ट आत्मा से मुझे आजादी मिल जाए ये चीज मेरे दिमाग में ज्यादा थी। वचन पढ़ना शुरू कर दिया, जब लगातार वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, तब आदत पड़ गई, दुष्ट आत्मा तो चला गया। 2005 में मैंने आपको बताया था 40 रोजे मैंने 5-6 बार रखे, और उन रोजों में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि या बांध दृढ़ रहे मुसीह में, की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैंने वो चीज देख के रोजे रखे। रोजों में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के एक दास के रूप में पवित्र आत्मा मेरे पास आया और उसने कहा कि इस तरह से प्रार्थना करनी, और जो भी मुझे बताया मैंने किया, और उसके बाद मैं हील हुआ। 2005 के बाद वो अटैक कभी नहीं हुआ वापिस, कभी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूं, बिल्कुल आजाद हूं। लेकिन परमेश्वर ने यूज किसे किया? एक दुष्ट आत्मा को अपने में मुझे लेके आने के लिए किसको यूज किया? एक बीमारी को मुझे चर्च में भेजने के लिए किसको यूज किया? लड़ाई को, मेरी आदतों को, गंदी आदतों को खत्म करने के लिए किसे यूज किया? एक लड़ाई को, और साथ मसीह भाइयों के प्यार को, क्योंकि वो मुझे कॉल करते थे, चलो आओ सेवा करते हैं, चलो आओ उधर चलते हैं, चलो आओ उधर चलते हैं। और इस तरह से धीरे 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 मैं परमेश्वर की ओर खींचा चला गया। उसके बाद जब मैंने देखा लोगों पे ले हैंड होते, लोगों को हील होते, मैंने खुद ले हैंड करना शुरू किया और खुद लोगों को हील होते देखा अपनी आंखों के साथ। मैं डॉक्टर के पास गया एक दिन, 2005 की बात है, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेट की दवाई खाते इतनी देर हो चुकी है, मैं थक चुका हूं, मैं अगर एक बाइट, मैंने गलती से कुल्फी की ले ली ना, अगर एक बाइट, ऐसे एक बाइट, 8 घंटे वो कुल्फी यहां रहती थी मेरे गले में, 8 घंटे 10 घंटे। अगर एक चम्मच मैंने दाल खा ली, अगर उसमें अगर हल्की सी मिर्ची है, तो वो एग्जैक्ट टेस्ट यहां गले में मेरे 8 घंटे 10 घंटे रहता था। और मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मार दे, इससे अच्छा ये है कुछ नहीं खा सकता, दाल बिना नमक बिना मिर्ची। और मैं एक दिन फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला, मैं कहा यार बहुत बुरा हाल है, कितनी देर का दवाई खानी पड़ेगी? उसने कहा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 12-12 साल से खा रहे हैं, तुम पूछ ही मत, खाई जा बस। और उन्हीं दिनों में एक बंदा रहता है यहां पे जलंधर में बस्तियों की तरफ, वो मेरे पास आके बोलता कि मेरे पेट में एक रोग है, मैं कुछ भी खा नहीं सकता, दवाइयों से हल नहीं होता, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। उस पे प्रार्थना की, सेम डे हीलिंग। उसने जाके कहता मैंने मछली खाई, क्योंकि वो यूपी की साइड के, सुना मेरी बात। और मैं प्रभु से कह रहा हूं परमेश्वर ये सेम बीमारी मुझे और इसको नहीं बता, और मैं इस पे प्रार्थना कर रहा हूं, ये हील हो चुका और मैं ऐसे ही हूं। कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलता रहा, डॉक्टर के पास जाता रहा। एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास से वापिस आ रहा था, आप इमेजिन नहीं करोगे मेरी लाइफ कैसे थी। उसने कहा 12 साल से पेशेंट दवाई खा रहे हैं, तू ज्यादा मत सोचा कर। और मैं हैरान हो रहा हूं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं लोगों पे ले हैंड करता हूं, लोग हील होते हैं और मैं बीमार हूं। जब वो डॉक्टर ने इतनी बात बोली कि 12 साल मैंने बाहर आया हॉस्पिटल से, मैंने गुस्से से दवाई फेंकी, मैंने कहा मैंने नहीं खानी, कुछ भी हो जाए। अब इमेजिन करो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही, परमेश्वर का थैंक्स करता रहा, इंस्टेंट हीलिंग हुई मुझे, इंस्टेंट हीलिंग, और मैं हील हुआ, मेरा फेथ बढ़ा, मैंने कहा अब आया मजा, अब बताऊंगा मैं। सुनो, फिर लोगों, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं ना, आपका विश्वास बढ़ता जाता है, आपका फेथ बढ़ता जाता है, क्योंकि पहले तो प्रभु शेर मारेगा आपसे, फिर भालू मारेगा, फिर गोलियत मारेगा। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? वो शेर भालू का टाइम था मेरा, गोलियत का टाइम अभी नहीं आया था, वो शेर भालू मार रहा था प्रभु कि देख मैं तुझे कैसी बीमारी से निकाल रहा हूं। डॉक्टर जवाब दे चुके, देख मैं तेरे द्वारा हील भी कर रहा हूं और तुझे भी निकाल रहा हूं इन बीमारियों से। तब मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ सेवकाई के लिए, एज ए बिलीवर मेरा विश्वास इतना था कि मैं हील हूं चाहे ना हो, मैं मरना जीना सब परमेश्वर में, ये पक्का था। लेकिन एज ए सेवकाई के लिए ये विश्वास पक्का नहीं था, कि सेवा करने के लिए आपको दृढ़ विश्वास चाहिए होते। लोगों ने टेस्टिमनी देनी शुरू की, गवाहियां आनी शुरू हुई, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की, और परमेश्वर मुझे तैयार करता रहा। मुझे नहीं मालूम था मैंने खामरा में आना, आप जानते इसी खामरा में, इस मिनिस्ट्री से शुरू होने से कई साल पहले
हमारा गोडाउन था यहाँ पे किराए पे पीछे, और हमें मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगा। गोडाउन था सैनिटरी का, टाइल्स का, सुनो मेरी बात। और इसी खामरा में जब मैंने एंट्री की थी तो मैं नशे करता था इसी सेम खामरा में, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसी खामरा में आऊंगा एक दिन। तब मैं मसीह में भी नहीं था, इस खामरा में तब से हूं मैं। सब गोडाउन जब लिया खामरा में, मैं वो क्यों पता क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मेरा स्ट्रगल भी मालूम हो। ओके, आज मेरे पास कितना कुछ है, इससे आपका विश्वास बढ़ सकता है। लेकिन मैं जिन चीजों से निकला हूं, अगर मैंने आपको वो बताई, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। आप इमेजिन करो, खामरा में जहां पे हमारा गोडाउन था वहां एक सरदार जी थे। वो रोज शाम को जो आम लोगों के घरों में होता है, थोड़ा पैक लेना, ये लेना, वो लेना। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मैं मसीह में नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ। अब इमेजिन करना, मुझे उसी टाइम अटैक हुआ जैसे मैंने वो बात को सुना। मेरा एक दोस्त था अटारी बाजार में, वो उसकी डेथ हो गई, उसको ब्रेन अटैक हुआ। आप इमेजिन करो, सेम टाइम मुझे अटैक हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी दिन मर सकता हूं, किसी भी सेकंड मेरी नाड़ियां फट सकती, कुछ भी हो सकता। ऐसे मैंने सहा है, और ये सारा से सारा टॉर्चर परमेश्वर कर रहा था, और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कौन सी मुंह से बात निकाली है। और यीशु मसीह को पसंद नहीं आई, और वो अपनी महिमा के लिए अब मुझे खींच रहा है, मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। आप इमेजिन करो, उन दिनों में जब मैं परमेश्वर में आ गया, फिर मैंने बीमारियों से शिफा ले ली, कुछ बीमारियों से आजादी मिल गई, नशों से आजादी मिल गई, रोगों से आजादी मिल गई, बिजनेस बढ़ने लग गया। क्योंकि उस समय अपने बिजनेस से मैं परमेश्वर के काम करता था, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद जब 2007 में ये गोडाउन चला गया, हम कहीं और थे। उसके बाद हम खामरा में ऐसे ही मेरे मम्मी पापा घूम रहे हैं, और वहां एक बोर्ड लगा था कि गोडाउन किराए के लिए खाली है। मेरे मम्मी पापा ने बात की कि हमें हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, तो हमें गोडाउन चाहिए बड़े बड़े। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारा गोडाउन ले लो। तब हम खामरा में आए 2007 में मैं यहां पे आया। जब हमारा यहां पे गोडाउन होता था खामरा में, तब हम मॉडल टाउन शायद रहते थे। सिर्फ गोडाउन यहां पे था, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका था। अब 2007 में जब मैं यहां पे आया, अब इमेजिन करो, अभी भी मेरी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई थी, अभी वैसी ही थी। जो प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने डाली थी, अभी वही हल हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में जो और बीमारियां हैं, ये खत्म नहीं हो सकती, इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई दवाई नहीं। 2007 में मैं यहां पे आया, लोग परमेश्वर ने मुझे बताया कि अब निकल यहां से, जा बाइक पे। परमेश्वर ने रास्ता बताया, दो फैमिलियों के परमेश्वर घर लेके गया, बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी चीज के। और जिस गली के बाहर मुझे स्वर्गदूत ने रुकने के लिए बोला कि यहां पूछ क्रिश्चियन घर कौन सा है, उसी गली के बाहर, उसी गली में वो क्रिश्चियन घर होता था, और पूरे मोहल्ले में एक ही क्रिश्चियन घर होता था। हालेलुया। और वो दोनों घर अभी भी इस चर्च के मेंबर हैं। और इस तरह से सेवकाई शुरू हुई, सेवा शुरू की बाय फेथ, लेकिन अभी भी लाइफ की स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुई। आज जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं, हाँ इन रिजल्ट्स को देखते हैं, किसी को मालूम नहीं मैं किन चीजों से निकला हूं, कैसे अविश्वास से गुजरा हूं, कैसी फाइट से गुजरा हूं, कैसे कलेशों से निकला हूं, कैसी बीमारियों से निकला हूं। हर तरह का डॉक्टर मैंने देख लिया 2004, 2005, 2006। अब इमेजिन करो, आज जब लोग टेस्टिमनीज को सुनते हैं, उनको लगता है कि वो आज का अंकुर देखते, जो आज खड़ा है, उन्हें कल वाला मालूम नहीं है। वो बना कैसे, वो ऐसी फाइट थी, मैं कि मैं प्रभु को बोलूंगा कि दोबारा कर सकता है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं दोबारा नहीं कर सकता। वो फाइट ऐसी थी, लेकिन बाइबल कहती तूने जो मुझसे प्यार किया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सालों साल मैं गया हूं हुजूरी में, सालों साल प्रार्थना की, तब भी कई उत्तर नहीं मिले, तो क्या किया, कुछ नहीं किया, सेवा बढ़ाई, काम बढ़ाया, और प्रभु ने उत्तर दिए। आज मेरी लाइफ में एक भी मसला नहीं है ऐसा जो अड़ा हो आज।
सारे मसले हल है और इसीलिए मैं आपके हल कर पाता हूं। मैंने देखा आपके इस लाइफ में, इस जर्नी में, कि परमेश्वर से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अविश्वास में भी खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जल्दी में होते हैं, जल्दी जल्दी, साल हो गया, डेढ़ हो गया, दो हो गया, मैंने देखा वो शैतान उनसे बहुत फाइट करते हैं। जब शैतान ये देख लेता है कि आपकी ये आशीष अगर लेट हो जाए, वो आपके विश्वास को हिला सकता है, तो वो परमेश्वर से आज्ञा मांग लेता है कि क्या मैं इसकी ये बरकत रोक लूं, क्योंकि अगर ये बरकत इसकी मैंने रोक ली तो तुझे मानेगा नहीं। पहले ऐसा लगता था कि मैं इंच इंच करके बढ़ रहा हूं, ऐसे रेंग रेंग के, ऐसा लगता है पीछे किसी ने बड़ा सा लोहे का कुछ लटका दिया और मैं एक एक इंच के लिए, मुझे ऐसा लगता है जोर लगाना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए। पर याद रखो, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर वो पहले आपको संघर्ष ज्यादा दे रहा है, बाद में रिजल्ट भी आपका ज्यादा होगा। आप पहले प्रार्थना और उपवास में ज्यादा है, बाद में रिजल्ट भी ज्यादा होगा। आपने ज्यादा दुखों को सहा है, ज्यादा सुख भी आपके पास होंगे। ज्यादा सताव आपने सहा है, आपकी टेस्टिमनी बड़ी होगी। जो कुछ भी आप परमेश्वर को दे देंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। वो मेहनत चाहे बोने में हो, प्रार्थना में हो, फास्टिंग में हो, विश्वास में हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, टेस्टिमनीज को सुना, बाइबल को पढ़ा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और फिर आपकी लाइफ से एक्सपीरियंस किया कि वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो ऊंची आवाज में,